हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी ई टी एंड टी ई टी एस प्रिपरेशन में। बिहार में जो स्टेट से शिक्षकों की बहाली होने वाली है हाई स्कूल और प्लस टू में, उनके साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्षों की भी बहाली होगी। तो आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पदों पर बहाली होगी। माना जा रहा है कि इससे संबंधित शेड्यूल शिक्षा विभाग जो है बहुत जल्द जारी करेगा। पटना सहित राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली यानी नियोजन अटक गई थी। जैसे शिक्षकों की बहाली अटकी हुई थी, उसी तरह से पुस्तकालय अध्यक्षों की भी बहाली अटक गई थी। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी शेड्यूल जारी होगा। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षों की अटकी बहाली वाले अभ्यर्थी द्वारा भी शिक्षा विभाग के दरवाजे खटखटाए जाने लगे हैं। अब देखिए, शिक्षक का तो जानते हैं आप कि माध्यमिक शिक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अटकी बहाली यानी नियोजन का शेड्यूल नियोजन इकाइयों के लिए जारी हो चुका है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष की अटकी बहाली वाले अभ्यर्थी द्वारा भी शिक्षा विभाग का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा है। तो जब शिक्षकों के लिए शेड्यूल जारी हुआ, तो जो पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनके द्वारा भी शिक्षा विभाग पे दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी शुक्रवार को भी शिक्षा विभाग पहुँचे तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की अटकी बहाली का शेड्यूल जारी करने का आग्रह संबंधित अधिकारियों से किया। जब इन लोगों को पता चला कि शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी हो गया, तो ये लोग भी शिक्षा विभाग के पास पहुँचे और वहाँ पर जो बहाली इन लोगों की अटकी हुई थी पुस्तकालय अध्यक्षों की, उसका शेड्यूल जारी करने का आग्रह किया। मतलब जो संबंधित अधिकारी थे उनसे विश्वस्त सूत्रों की माने तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 5वें चरण की अटकी बहाली का शेड्यूल नियोजन इकाइयों को जारी करने के बाद अब शिक्षा विभाग पुस्तकालय अध्यक्षों की अटकी बहाली के लिए शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। तो विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चला है कि शिक्षक का जो शेड्यूल जारी हो गया है, उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की जो अटकी हुई बहाली है, जो नियोजन प्रक्रिया अटकी हुई है, उसके लिए भी शेड्यूल जारी करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। इस पर शिक्षा विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर शेड्यूल को अंतिम रूप देने के बाद उस पर शिक्षा विभाग की स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। तो अच्छी बात है, मतलब खुशखबरी कह सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए जिनकी बहाली अटकी हुई थी। तो कंटिन्यू मैं बिहार शिक्षक बहाली और इन सारी चीज़ों से आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।